अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जैसा कि आज का व्लॉग जो है वो ईद के फर्स्ट डे के हवाले से है, और सुबह का जब आगाज़ हुआ और तो सबसे पहले नाश्ता किए थे सेवइयों के साथ, और उसके बाद जो है फिर मैं किचन में बिज़ी हो गई थी और मेरी तकरीबन सारी जो है वो किचन में ही गुजरी, क्योंकि बहुत लेट ऐलान हुआ था चांद का, और जिस वजह से हम लोगों ने तैयारी नहीं की थी। हमें ये था कि जो है सुबह रोज़ा है और ईद नहीं है और ईद जुमे की होगी, लेकिन रात के 11:30 और 12:45 के करीब जो है गवर्नमेंट ने ऐलान करवाया कि जी चांद नज़र आ गया है, और इस वजह से बहुत काम ख़राब भी हुआ है, और जो है हमारे जो कुछ ड्रेसेस थे वो भी स्टिच नहीं हो सके, क्योंकि टेलर ने कहा था कि हम जो है अगर ईद ना हुई तो सुबह जुमे वाले दिन अगर ईद हुई तो हम लोग आप लोगों को वो ड्रेसेस दे देंगे। तो इस तरह काफ़ी जो इन्होंने अचानक ईद का ऐलान किया है चांद का, तो इससे काफ़ी काम ख़राब हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई तैयारी भी नहीं की हुई थी और सारी तैयारी हमने जो है रख दी थी जुमेरात वाले दिन पे कि नेक्स्ट जो है फ्राइडे की ईद है तो हम सारी तैयारी फिर कर लेंगे। तो इस टाइम फिर रात के टाइम मैंने सिर्फ चने भिगो दिए थे चाट के लिए, और उसके अलावा मैं फिर कुछ नहीं कर सकती थी। कपड़े वगैरह जो है वो प्रेस करने थे वो किए, और इसके अलावा जो है चिकन वगैरह जो हमने रखा हुआ था वो मैंने फ्रीज़र में था तो उसको फ्रिज में रख दिया। ये काम थे जो रात के टाइम मैंने किए, तो बाकी काम फिर मैंने सुबह पे रख दिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बाज़ार से ही नहीं आई हुई थी कि अगर आई होती तो मैं रात को ही तैयार कर देती। तो यहाँ पे जो नाश्ते के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार कर रही थी। जेली भी मैंने बना ली थी, और उसके बाद कस्टर्ड मैंने तैयार किया था, और सबसे पहले लेयर जो थी वो मैंने इस पर केक की लगाई थी, जैसे कि पहले इसी में पहली लेयर होती केक की है, तो उसके ऊपर फिर जो टिन मंगवाया था मैंने अपनी तरफ से कॉकटेल का टिन मंगवाया था, लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया तो वो पाइनएप्पल निकला, तो पाइनएप्पल का जूस फिर मैंने उसके ऊपर डाला था। तो यहाँ पर ये जो है कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस कस्टर्ड को फिर मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद जो नेक्स्ट काम मैंने किया था वो ये किया था कि मैंने चिकन लिया था, और चिकन में तमाम मसाला जार डाल दिए थे, जिनमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मोटी इलायची और इस तरह की चीज़ें डाल के मैंने, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने जो है कवर करके रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा अपने पानी में, और थोड़ा सा पानी था उसमें, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि गल जाए, ताकि फिर ये तैयार होगा तो उसके बाद इसको भून के इसमें मसाला डाल के तो फिर मैं बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। चिकन मैंने रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने कहा जितनी देर में वो गलता तो नेक्स्ट काम कर लिया जाए, तो फिर चना चाट तैयार की जा रही थी, क्योंकि नमाज के बाद जो है चाट तैयार होनी चाहिए, नाश्ता करके सोयों से नाश्ता करके जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए घर वाले और बच्चे, तो उसके बाद जब आते हैं तो उनको चाट तैयार मिलनी चाहिए, तो इसलिए फिर चाट जो है नमाज से पहले ही तैयार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो पड़े हुए हैं, साथ साथ धुल भी रहे थे लेकिन फिर गंदे हो रहे थे, जैसे कि पता है इस तरह के जब इवेंट होते हैं या त्यौहार होते हैं तो जब कुकिंग हो रही होती है तो बर्तन साथ साथ गंदे होते हैं, उनको साथ साथ ही धोना पड़ता है। साथ ही मैंने फिर एक बड़े देचके में पानी डाल दिया था, जिसमें मैंने तमाम सारा जार डाल दिए थे, जिसमें ये 3 तेज़ पत्ते थे और लौंग थे और बादियान के फूल थे, दालचीनी थी, और ऑयल डाला था, सिरका डाला था, नमक डाला था और पुदीने के चंद पत्ते डाल के ये तमाम चीज़ें मैंने रख दी थी पानी को बॉयल होने के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसमें चावल डाल के मैंने कहा कि चावलों को बॉयल करके वो भी रख दूँ। तो इससे पहले कि बिरयानी तैयार होती मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और नोटिफिकेशन टू ऑल को अपने प्रेस करने से ही होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो लीजिए बिरयानी तैयार हो चुकी है, अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और 10 मिनट इसको दम दूँगी, और फिर ये बिरयानी जो है खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई थी मेरी। तो इसके बाद मैं इस बिरयानी के देचके को रख दूँगी दम के लिए, और नेक्स्ट फिर इसके बाद मैंने जो है इसको दम पे रखने के बाद फिर मैंने जो है दही लिया था, और उसके लिए मैंने बिरयानी के लिए रायता तैयार किया था, जिसमें मैंने बूंदी डाल दी थी और बॉयल आलू डाला था, ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठे करने के लिए दही को इसमें थोड़ी चीनी डाली थी और काली मिर्च डाल दी थी, और मेरा जो है रायता तैयार हो चुका था।
उसके बाद फिर जो है मैं थक गई थी और उसके बाद फिर मैंने रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद फिर मैं शाम में उठी, चाय बनाई, सबको चाय दी। उसके बाद फिर मुझे जाना था अपने किसी रिलेटिव की तरफ, तो फिर मैंने जो ईद का ड्रेस था वो नहीं पहना क्योंकि ईद तो इतनी अच्छे तरीके से हुई नहीं, थक गई थी। तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला और ये मैं पहन के जा रही थी। तो ये मेरा जो है खाड़ी का ड्रेस है, इसकी जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग देख लें आप। इसको मैंने इस तरह से तैयार करवाया था, ये इसके साथ वाइट कलर का मैंने ट्राउज़र लिया था और उस पर इस तरह की लेसेस लगवा के मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई थी। और दुपट्टे के सिर्फ पल्लुओं पे मैंने जो है येलो कलर की लेस लगवाई थी और बाकी ये जो ये बाजू देख रहे हैं इस पर एम्ब्रॉयडरी पहले ही हुई हुई थी और गले पे भी, और बटन मैंने इस तरह के दो कलर के लगवाए थे और ये ड्रेस मैंने तैयार करवाया था। ये नॉर्मली मैंने ड्रेस तैयार करवाया था, ईद का नहीं था, लेकिन जाना था तो फिर मैंने शॉवर लिया और उसके बाद फिर ये ड्रेस पहन के मैं गई थी। उसके साथ फिर ये वाइट कलर का मेरा ट्राउज़र था, तो फिर ये वाली जो मेरे पास शूज़ थे या सैंडल कह लें, तो ये वाले मैंने निकाले थे, घर के ही पड़े हुए थे, मैंने ईद पे नहीं लिए क्योंकि मैंने लेने थे लेकिन लॉकडाउन लग गया और मैं जा नहीं सकी। तो फिर मैंने यही घर से जो थे मेरे पास सैंडल, तो ये वाले जो है वो मैंने पहने थे। और ये जो सैंडल है ये मेरे यूके से आए थे, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो उसके बाद मैं तैयार हो चुकी थी और ये वो मेकअप प्रोडक्ट था जो मैंने यूज़ किया था और उससे मैं तैयार हुई थी। और बड़ी थक चुकी थी लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ज़रूरी था इसलिए फिर जो है थोड़ी बहुत ही तैयारी करनी ज़रूरी थी। तो अब हम लोग जो हैं घर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, और रास्ते में हम लोग फिर रुके थे, वहाँ से हम लोगों ने लेनी थी मिठाई, तो हम लोग ये फ्रेस्को स्वीट्स पे रुके थे और यहाँ से हम लोगों ने मिठाई लेनी थी जो हम लोगों ने उनके घर लेके जानी थी। ज़ाहिर ईद का दिन है तो खाली हाथ तो नहीं जाया जा सकता था, तो इसलिए फिर मिठाई ली। दिल तो था कि केक लेके जाएंगे लेकिन देर हो गई थी और कोई जहाँ से हमने केक लेना था वो बेकरी बंद थी। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े और फिर उसी तरह हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में फिर मैं बैठे हुए वीडियो बनाई, देखें सारी शॉप्स बंद हैं, कोई रौनक नहीं जो ईद की रौनक होती है, कोई भी रौनक नहीं, ना कोई मतलब रोड खाली हैं, शॉप्स बंद हैं, कुछ भी नहीं है। तो बड़ी मतलब अजीब सी ईद गुजरी हम लोगों की, बस अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, एक बार ये अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हम लोगों को निजात दे दे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग चाय पीने लगे हैं। तो अब हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और घर आने के बाद भी कुछ काम पड़ा हुआ था, तो वैसे भी मुझे आराम नहीं होता, मैं जब तक मेरे काम कम्प्लीट नहीं होते मैं सोती नहीं हूँ, बेशक रात का कोई भी टाइम हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन थे, वो ज़ाहिर दिन को मेहमान भी आए थे और सब घर वालों ने भी खाना खाया था, तो बर्तन में संभाल रही थी। और ये कप्स थे चाय के जो शाम के टाइम मैंने निकाले थे, उनको मैं संभाल रही हूँ, उनकी पैकिंग, ये जो पैकेजिंग है इसी में मैं इनको संभालती हूँ। और जब से ये आए हैं मैं इसी तरह इनको यूज़ करने के बाद इसी में संभाल देती हूँ। काफ़ी टाइम से ये लिए हुए हैं लेकिन इस तरह संभाल के मैं इनको रख देती तो मतलब ये टूटने से बच गए, नहीं तो नॉर्मली आपस में कप टकराएंगे तो वो उन पर थोड़ा सा भी पीस उतर जाता है और वो एक सेट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह फिर मैं इनको संभाल देती तो इस तरह बचे रहते हैं। तो इस तरह मैंने बाकी बर्तन भी संभाले थे और उसके बाद हम लोगों ने सब घर वालों ने मिलकर रात के टाइम, काफ़ी लेट टाइम हो गया था, तो फिर हम लोगों ने जो कस्टर्ड सुबह बनाया था वो हम लोग खा रहे हैं, तो सब बैठ के खा रहे हैं। तो फिर मैंने आपके साथ भी शेयर करना था कस्टर्ड, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह मेरा ईद का दिन गुजरा, बिज़ी भी, मज़ा भी आया और थक भी बहुत गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फिर आपके साथ मैं ईद का सेकंड डे भी शेयर करूँगी, तो तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।